आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यही सिखाने वाले हैं, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। एकदम से न्यू तर्ज है मित्रों, बहुत न्यू तर्ज है, अच्छी तर्ज है, प्यारी सी तर्ज है। तो आज आपको यही सिखाना सिखाएंगे हारमोनियम पर, किस तरीके से हम इस तर्ज को बजा सकते हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और मित्रों, इसके लिए लिया है मैंने मंत्र सप्तक की पहली काली को पकड़ा हुआ है, इसी काली से हम बजाना सीखेंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरा फुल वॉच करिए। कहाँ से आप लोग देख रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताइए हमको। और मित्रों, एक लाइक भी अवश्य कर देना। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, कम से कम 100 लाइक तो वीडियो पर बनते ही बनते हैं। आप प्लीज़ जो है लाइक करने में एक समय जाएगा, एक थोड़ा सा समय लगेगा आपका, एक उंगली सिर्फ आपको रखनी है, लाइक हो जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं किस तरीके से बजाएंगे इसको। देखिए, ये हमारा गीत जो है पाँच से उठेगा, ठीक है, पाँच से उठेगा। सरगम की बात करूँ तो सुरों की, तो देखिए नी सा रे गा मा पा धा नी सा, सिर्फ हमारा धाता ही काम हो जाएगा। सा रे गा मा पा धा पा मा धा रे सा रे गा मा पा धा धा पा मा धा रे सा, इन्हीं सुरों पर हमारा पूरा काम मित्रों हो जाएगा। हमें दूसरा आगे नहीं बढ़ना है, इन्हीं पर हम अपना पूरा बजा लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं किस तरीके से हम इस तर्ज को अपने बजाएंगे। तो सा को हम पकड़ेंगे और पा को। इतना दो बटनों पर इतना निकल रहा है, ठीक है, सा और पा पर, सा पर और पा पर। अलाप है मित्रों, लेकिन अलाप बड़ी मीठी है, अलाप बड़ी मीठी अलाप है, बहुत अच्छी अलाप लगती है। तो देखिए, इतना 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 तो करना स्वामी, सापा धापा मा, सापा धापा मा, ठीक है। इतना तो करना स्वामी, सा पा धा पा मा, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण, पहले हमने क्या क्या बजाया है एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्या क्या हमने यहाँ पर बजाया है, कौन कौन से स्वर आपको बताए हैं ध्यान से देख लीजिएगा। इतना तो करना स्वामी, सापा धापा मा, सापा धापा मा, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण, ठीक है, मापा धा, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से, जितनी मित्रों मैं कहूं तो इस गीत में अलाप ही अलाप है, जितनी मैं कहूं उतनी अलाप ही अलाप है। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण मापा धा मापा धा, जब प्राण तन से मापा धा मामा गारे सा, जब प्राण तन से, ये चीज, जब प्राण तन से निकले सागारे सागारे निकले। आ गया ना समझ में, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद गोविंद सारे गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर सारे सामारे सारे, ये चीज, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, ये चीज ध्यान से देखिए। गोविंद नाम लेकर
गोविंद नाम लेकर सारे सामारे सानी, गोविंद नाम स्थाई की लाइन हमारी, ये तो हमारी कंप्लीट हो गई स्थाई की लाइन। अब हम बात करेंगे आंत्रा की ओर। तो हमारे देखिए आंत्रा किस तरीके से बजेगी। आंत्रा भी बहुत सिंपल है। आंत्रा की फर्स्ट लाइन श्री यमुना जी का तट हो और बंसी बटे की जो लाइन है। मित्रों हमें भजन पूरा याद नहीं है, क्षमा चाहेंगे, किंतु जो अंतरा की स्थाई पर ही अंतरा लाइन है, ये राधे श्याम तर्ज है। और जो स्थाई है मित्रों, जो स्थाई की लाइन है उसी पर ही अंतरा प्ले है। श्री जमुना जी का तट हो और सांवरा निकट हो, और इसी तरीके से क्षमा चाहूँगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझको भजन नहीं याद आ रहा है, पूरा भजन नहीं याद आ रहा है, लेकिन जो है अंतरा जो है वो सहम रहेगा, वो स्थाई पर ही, जो हमने आपको स्वर बताए हैं इन्हीं सुरों पर पूरा भजन चलेगा, कुछ भी आपको चेंज करना नहीं होगा। तो मित्रों आप बजा लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा, देख लीजिए सहम रहेगा आपका तो वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। किसी अन्य प्रोग्राम में भेंट करते हैं, तब तक आप लोगों से विदा चाहते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमें आदेश दीजिए, भेंट करते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में। हरे कृष्णा राधे कृष्णा।